अस्सलाम वालेकुम। अरे भजिया बनाएंगे। ये बैंगन है, ये बटाटा है, आलू और ये दुधिया है, इसका भजिया बनाएंगे तीनों का। चलो बेसन निकालते हैं। मैं बेसन इसमें थोड़ा चावल का आटा डालेंगे, चावल का आटा है, इसमें आधा चम्मच हल्दी डालेंगे, इसमें थोड़ा सा लहसुन का पाउडर डालेंगे, एक पिंच हींग डालेंगे इसमें, फिर नमक डालेंगे स्वाद के जितना, थोड़ा सा मिर्ची का बुक्की डालेंगे इसमें, थोड़ा सा मीठा सोडा इसको मिलाएंगे, एकदम इसको पतला नहीं करेंगे, इसको गाढ़ा नहीं करेंगे, एकदम मीडियम रखेंगे। देखिए हो गया, इसको 5 से 6 मिनट रखेंगे फिर फ्राई करेंगे। देखिए तेल गरम हो गया है, फिर इसमें डालेंगे एक एक करके। पहले बटाटे का डालेंगे, देखिए अब बैंगन का डालेंगे इसमें, इसको 2 मिनट पकने देंगे फिर पलटी करेंगे। 2 मिनट पलटी कर लिए, इसको निकाल लेते हैं बर्तन में, ये दुधिया का डालेंगे इसके अंदर। देखिए भजिया बनके तैयार हो गया है, इसको रोटी के साथ खाइए, दाल चावल के साथ खाइए, ऐसे ही खाइए। बटाटा, बैंगन, दुधिया का भजिया है।